Hello student, today we are studying about cloud virtualization. This is part 1 of virtualization. The ability to run multiple operating systems on a single physical system and share among the multiple organization of users. Virtualization एक ऐसी ability है जिसके through हम एक ही computer के अंदर बहुत सारे operating system को at the same time रन करवा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास डेस्कटॉप या पीसी के अंदर क्या है, विंडो 7 है और आप एक गेम प्ले करना चाहते हो, वो किसके अंदर है, विंडो 8 के अंदर है या फिर विंडो 10 के अंदर है. तो विंडो 7 है आपके पास, आपको गेम किस पे प्ले करना है, विंडो 8 पे प्ले करना है. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो विंडो 8 को इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर आपको विंडो 8 पहले परचेज करना पड़ेगा. तो इसके लिए आप क्या करोगे, क्लाउड वेंडर के पास जाओगे, उनसे आप बोलोगे कि आप विंडो 8 क्या चाहते हो, विंडो 8 जो है उसको आप एक्सेस करना चाहते हो या विंडो 8 की सर्विसेज को आप लेना चाहते हो. जिससे कि आप क्या करो, क्लाउड के वेंडर्स को एक नॉमिनल चार्ज पे करके उस सर्विस को एक्सेस कर सको और आपके पास जो गेम है या फिर जो सॉफ्टवेयर है उसको आप इजीली क्या कर सको, प्ले कर सको. तो वर्चुअलाइजेशन क्या कर रहा है, एक ही सिस्टम के ऊपर बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यू कैन रन ऑन अ सिंगल फिजिकल सिस्टम एट अ सेम टाइम. वर्चुअलाइजेशन इज यूज टू इम्प्रूव थ्रोपुट एंड कॉस्ट ऑफ द हार्डवेयर. वर्चुअलाइजेशन के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, सिस्टम का जो थ्रोपुट है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. वर्चुअलाइजेशन इज प्रूफ टेक्नोलॉजी that make it possible to run multiple operating system and application at same server or at a same time. It is a process of creating a virtual environment of something which may include hardware, software, network and platform. Virtual environment अपन को एक ऐसी facility provide करवाता है जिसके अंदर अपन अपने hardware, software, network, platform सब चीज़ को क्या कर सकते हैं, एक ही जगह पर include करके रख सकते हैं और जिस चीज़ की अपन को नीड है उस चीज़ को अपन एक्सेस करके अपने जो भी आपका वर्क है उसको आप क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो. विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन वी कैन रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द एफिशिएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर. रिड्यूस द कॉस्ट, कैसे अपन कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे. सपोज करो आपको क्या चाहिए, एक 1 TB का हार्ड डिस्क चाहिए, आप उसको मार्केट जाके परचेज करेंगे तो क्या होगा, आपको एट अ सेम टाइम उसके लिए कॉस्ट जो होगा उस हार्ड डिस्क का वो पे करना पड़ेगा. तो उसके बजाय आप क्या करोगे कि क्लाउड के वेंडर के पास जाओगे, उससे आप रिक्वेस्ट करोगे 1 TB की हार्ड डिस्क के लिए, तो वो क्या करेगा, आपको हार्ड डिस्क जो स्पेस है उतना आपको 1 TB का हार्ड डिस्क का स्पेस प्रोवाइड करवाएगा और उसके बदले क्या करेगा, आपसे एक नॉमिनल चार्ज लेगा. इससे क्या फ़ायदा होगा, एक तो ये कि सपोज करो आपको अभी 1 TB का स्पेस चाहिए, कुछ टाइम के बाद आपको स्पेस ज़्यादा चाहिए होगा. यदि आपने हार्ड डिस्क को परचेस किया है तो आप क्या कर सकते हो, उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपने उसको परचेस किया तो वो क्या हो गया, स्टैटिक हो गया. और इन फ्यूचर आपको और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है तो आप क्लाउड वेंडर को एक्स्ट्रा पे करके क्या कर सकते हो, साइज़ को फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हो. एक एग्जांपल है वर्चुअलाइजेशन का. देखो पहले जो ट्रेडिशनल प्रोविजनिंग थी उसमें क्या होता था और जो वर्चुअल प्रोविजनिंग है, जो आजकल जो वर्चुअलाइजेशन यूज़ हो रहा है वो किस तरीके से यूज़ हो रहा है. यहाँ पर 3 यूजर है, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3. टोटल आपके पास स्पेस है दोनों प्रोविजनिंग के अंदर 2 TB. तो अपन ने क्या किया, यूजर 1 को 500 GB, सेकेंड यूजर इस 550 GB एंड थर्ड यूजर 800 GB. फर्स्ट यूजर ने क्या किया, ओनली 100 GB डाटा अभी स्टोर किया हुआ है, 400 GB क्या है स्टिल रिमेनिंग है इसकी कैपेसिटी, यानी कि ये अनयूज्ड कैपेसिटी है, इसको अभी यूज नहीं किया गया है. लेकिन 500 जो GB है वो क्या किया हुआ है, पूरा की पूरा ऑक्यूपाई किया हुआ है. जो रिमेनिंग 400 है वो अपन किसी और को अलॉट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड है इसके अंदर क्या कर रखा है, यूजर 1 ने 500 GB को पूरा परचेज करके अपने पास रखा हुआ है. सेम दिस इज फॉर यूजर 2 एंड यूजर 3. तो एक्चुअल में जो स्पेस इन लोग ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो कितना है, 350 है, 250 एंड 100. एक्चुअल में तो 350 ही ओनली क्या किया हुआ है, आउट ऑफ 2 TB से यूज किया हुआ है, बट देखा जाए तो पूरा स्पेस कितना हो गया इन लोग के पास, 1500 GB हो गया, जिसको क्या करा हुआ है इन्होंने, अनयूज्ड कैपेसिटी में रखा हुआ है. और जो यूज्ड, जो अवेलेबल कैपेसिटी है कितनी बची हुई है, यहाँ पर केवल 150 बची हुई है. तो ये मेथड जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है, इसको अब यूज नहीं किया जाता है. अब जो अपन यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, वर्चुअल प्रोविजनिंग यूज करते हैं. एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3 500 GB स्पेस
फॉर यूज़र वन, 550 स्पेस फॉर यूज़र टू एंड 800 GB फॉर यूज़र थ्री। तो इन्होंने 150 और 200 ही यूज़ किया हुआ है, रिमेनिंग पूरा स्पेस खाली है। इट मीन्स व्हाट, 1650 GB का जो स्पेस है वो क्या है, आपके पास खाली है। आप चाहो तो इसको, और जो यूज़र यदि इस पर कहेंगे क्लाउड के वेंडर से कि वी वॉन्ट स्पेस, तो क्लाउड वेंडर क्या करेगा, इस स्पेस को दूसरे जो यूज़र है उनको ईजिली अवेलेबल करवा सकता है। तो दिस इज़ द मेन बेनिफिट्स ऑफ द वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का अपन आर्किटेक्चर देख लेते हैं एक बार, किस तरीके से आर्किटेक्चर है इसका, किस तरीके से अपन अपने सिंपल पीसी को एक वर्चुअल पीसी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अपने सिंपल सिस्टम की बात करें तो ये क्या है, अपने पास एक हार्डवेयर है, कहने का मतलब एक पूरा सिस्टम है जिसके अंदर CPU है, अपने पास प्रिंटर है, अपने पास मॉनिटर है, उसके बाद अपने पास कीबोर्ड है, माउस है, सब चीज़ें हैं। इट मीन्स वॉट, दिस इज अ कम्प्लीट हार्डवेयर और कम्प्लीट सिस्टम। सेकेंड थिंग इज होस्ट OS, उसके ऊपर अपन ने क्या किया हुआ है, हार्डवेयर के ऊपर एक अपना होस्ट OS है, उसको अपन ने इंस्टॉल किया हुआ है। सपोज कर दिस इज विंडो 7, विंडो 8, वॉट एवर यू वॉन्ट, उसको आपने क्या किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। नेक्स्ट है एक, दिस इज न्यू टर्म, दिस इज हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या चीज़ है, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको अपन क्या करते हैं, अपनी होस्ट OS के ऊपर एग्जीक्यूट करवाते हैं। हाइपरवाइजर को अपन दो तरीके से काम में ले सकते हैं, या तो आप सीधा हार्डवेयर के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, या फिर होस्ट OS के ऊपर अपन हाइपरवाइजर को इंस्टॉल कर सकते हैं। हाइपरवाइजर एक सॉफ्टवेयर है जो क्या काम आता है, वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का काम करता है। तो हाइपरवाइजर के ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दो वर्चुअल मशीन मैंने बनाई है, अपन चाहें तो यहाँ पर बहुत सारी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं। वर्चुअल मशीन का मतलब क्या हुआ कि जितने सॉफ्टवेयर आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यहाँ पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, रन करवाना चाहते हैं, उतने वर्चुअल मशीन आप यहाँ पर बना सकते हैं और इजीली क्या कर सकते हैं, अपने जो भी आपका वर्क है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो। देखो होस्ट OS क्या होती है, दिस इज फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच डिफरेंट वर्चुअल मशीन कैन रन। फिजिकल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, अपनी अलग अलग जितनी भी आपने वर्चुअल मशीन बनाई हैं उन सबको क्या करवा सकते हैं, यहाँ पर अपन रन करवा सकते हैं। हाइपरवाइजर, जैसा मैंने आपको बताया, हाइपरवाइजर दो तरीके से काम करता है, इट रन्स डायरेक्टली ऑन द हार्डवेयर, या तो आप डायरेक्टली हार्डवेयर पे रन कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हार्डवेयर के ऊपर पहले एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे और उसके ऊपर आप क्या करोगे, हाइपरवाइजर डाल के डिफरेंट वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर सकते हो। वर्चुअल मशीन क्या चीज है, इन विच डिफरेंट OS कैन रन, डिफरेंट OS को अपन रन कर सकते हैं। नॉट ओनली OS, इसके अंदर आप जितनी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो भी है आप वो क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन के ऊपर रन कर सकते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज गेस्ट OS। इसको अपन क्या कहते हैं, गेस्ट OS भी कहते हैं। क्यों गेस्ट OS कहते हैं, क्योंकि अपने पास एक होस्ट OS, एक प्राइमरी OS है, वो तो सिस्टम के अंदर होगा ही, उसके अलावा जितनी भी OS आप बनाओगे उन सबको क्या बोलोगे, गेस्ट बोलोगे। मल्टीपल वर्चुअल मशीन कैन रन ऑन अ सिंगल फिजिकल सिस्टम। सिंगल फिजिकल सिस्टम के ऊपर अपन क्या कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स को रन करवा सकते हैं। इट रन ऑन अ हाइपरवाइजर विच आइसोलेट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस फ्रॉम द अंडरलाइंग हार्डवेयर्स। दिस इनेबल द होस्ट मशीन टू रन द मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। क्या क्या बेनिफिट हैं वर्चुअलाइजेशन के वो अपन देख लेते हैं। फर्स्ट बेनिफिट इज कॉस्ट इफेक्टिव। किस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव है वर्चुअलाइजेशन। फर्स्ट इज TCO। TCO मीन्स टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप इज लो एट द इनिशियल लेवल। इनिशियल लेवल पे क्या करता है, कॉस्ट को लो करता है। किस तरीके से, सपोज करो कि कोई है जो क्या कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, स्टार्टिंग में उसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो क्या करेगा कि बहुत ज़्यादा, सपोज करते हैं अपन स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं, वो स्टोरेज डिवाइस परचेज करना चाह रहा है बहुत सारी, और इनिशियल लेवल पे कैपिटल क्या है, बहुत कम है, तो क्या करेगा कि स्टार्टिंग में स्टोरेज डिवाइस को परचेज ना करके उनको क्या करेगा, क्लाउड पे जाके क्लाउड के वेंडर्स से जो आप जितना उसको स्पेस चाहिए उतना स्पेस क्या करेगा, वो रेंट पे लेगा, और उसके बदले क्या करेगा, उनको पे करेगा। जो वो पे करेगा उसके बदले क्या करेंगे, क्लाउड के वेंडर्स उसको जो भी सर्विसेज वो लेना चाहता है वो उसको प्रोवाइड कराएंगे। सिक्योरिटी, ड्यूरिंग द वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न। दिस इज प्रोवाइडेड बाय द फायरवॉल्स। फायरवॉल्स के थ्रू क्या होता है, अपन को सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है। क्या होता है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने से, जो भी अनऑथराइज एक्सेस है, जिनके पास भी एक्सेस करने की अथॉरिटी नहीं है, वो क्या नहीं कर सकते, अपने सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकते, और जो अपना कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो कभी भी लीक नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंशियल डेटा हमेशा क्या रहना चाहिए, आपका सेफ रहना चाहिए। थर्ड इज आइसोलेशन।
वर्चुअल मशीन आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर एज दे आर फिजिकली सेपरेटेड. क्या होना चाहिए, जो आपकी वर्चुअल मशीन्स आपने जितनी भी क्रिएट की हैं वो सब आपस में क्या होनी चाहिए, आइसोलेट होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्चुअल मशीन पे आप काम कर रहे हो और दूसरे वर्चुअल मशीन पे क्या हो रहा है ये भी आपको पता है. तो क्या रहना चाहिए, जितनी भी वर्चुअल मशीन्स हैं ऑल आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर. नेक्स्ट इज इजिली पोर्टेबल एंड मेंटेनेंस. तो वर्चुअल मशीन्स आर माइग्रेटेड टू डिफरेंट होस्ट एंड इजिली मेंटेन बाय द क्लाउड वेंडर्स. क्या है मतलब इसका, कि जो आपकी वर्चुअल मशीन्स हैं वो इजिली माइग्रेटेड होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह पर सिस्टम है तो आप वहीं पर काम करोगे. आप क्या होगा, जो जितना भी आप काम करना चाह रहे हो क्लाउड पर वो आप कैसा होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए, कि यदि आप कहीं पर ऑन द वे हैं तो भी आप क्या कर सकें, अपनी सारे काम को कर सकें, अपनी सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकें. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप एक पीसी पर बैठे हैं तभी आप काम कर पा रहे हैं. लास्ट इज को एग्जिस्टेंस ऑफ ओएस ऑन सेम मशीन. कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट ओएस को अपन क्या कर सकते हैं, सेम मशीन पर एग्जिस्ट करवा सकते हैं. थैंक यू.